रास्ते की मांग को लेकर 1.5 दर्जन गांव के ग्रामीणों की पशोपेश बरकरार है। 1 महीने से अधिक समय धरने पर गुजर चुका है। इस दौरान नेताओं का आवागमन बदस्तूर जारी रहा है। कोई नेता सरकार को कोस रहा है तो कोई सरकार के समक्ष ग्रामीणों का पैरोकार बनने का भरोसा दिला रहा है। तलवंडी राणा और आसपास के ग्रामीण हर रोज एक नए नेता से रूबरू हो रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, किसान यूनियन, अनेक संगठन, नए पुराने विधायक व सांसदों का तांता लगा हुआ है। इसके बावजूद ग्रामीणों की मांग जस की तस है। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग ने तो धरने पर ही ग्रामीणों के साथ होली खेल डाली। महिलाओं के कोरडे बरसे तो ग्रामीणों ने इन कोरडों की मार झेल रहे विधायक जोगीराम को सरकार पर बरसाने का भरोसा दिला दिया। जेजेपी के एक और विधायक राम कुमार गौतम धरने पर पहुंचे तो ग्रामीणों की आवाज़ विधानसभा में न उठा पाने का मलाल साझा कर डाला। गौतम ने जानकारी न होने का ठीकरा ग्रामीणों पर फोड़ते हुए यहां तक कह डाला कि अभय चौटाला से कम जानकारी भी होती तो उनसे 200 गुना ज़्यादा आवाज़ वे विधानसभा में उठाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मानने वालों का गांव है, जिसका देश पे बड़ा भारी कर्ज है, और ऐसा गांव उसके साथ अनेक गांव तो किसी का भी होता, गांव तो सबके होते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके गांव के साथ तो अन्याय हकीकत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो इस सरकार द्वारा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो इनके समर्थक भी हो, वोटर भी हो, और इनके वेलविशर भी हो इस सरकार के, तो ये बहुत गलत हुआ है। और मैं समझता हूँ ये आपका 100% ठीक करेगी सरकार। ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपका ये बात ना बने, क्योंकि आपकी बात जायज है, हर तरह से जायज है। और मुझे पहले पता नहीं था, असल में मेरे पास महेंद्र का फोन आया एक दिन, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, आज भी बीमारी हालत में ही आया हूँ, इसका फोन आया था कि आप धरने पर आ जाओ। मतलब अभी धरने पर तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन आपकी आवाज़ उठाऊंगा, सेशन आओगे उसमें आवाज़ उठाऊंगा, पर मैं आवाज़ आपकी बिना नॉलेज के सही नहीं उठा पाया, मुझे पता नहीं था जितना, क्योंकि अभय सिंह यहाँ आया था और उसको जितना कोहली ने समझाया था या ओम प्रकाश ने या आप लोगों ने किसने भी समझाया, अगर मेरे को तो उससे चौथे हिस्से का भी समझा देते तो बहुत तगड़ी आवाज उठाता, बहुत बड़ी आवाज। मैंने जो आवाज उठाई वो बहुत मामूली आवाज थी, जो सही आवाज नहीं थी बिना पता के। तो अब क्योंकि मुझे सारी बातें पता भी लग गई, मैं ये समझता हूँ ये जो आपकी इस सड़क का ना बनाना, वैसे तो मैंने एसटी से पूछा था यहाँ हरपाल सिंह से, उसने मुझे कहा था जी बहुत स्पीड से हमने भेजा है इसकी जो भी डिमांड थी और जल्दी बनेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो आपकी सड़क ना बना के बहुत घटिया सा बिजनेस किया गया है, व्यापार, एक गांव का गला घोट के, एक शहर का गला घोट के बहुत घटिया बिजनेस किया गया है। जमीन ने खरीद ली बताते हैं, जैसा कि उस दिन वो अभय सिंह ने बड़ी तगड़ी आवाज़ उठाई थी आपकी, तो बता रहा था कि जी मेरे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, ओम प्रकाश ने रजिस्ट्रियाँ देनी थी, दे नहीं पाए थे जब तक, बाद में दी है। धरने पर आने वाले नेताओं को रोजाना मिलने वाले आश्वासनों के बीच अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हिसार आगमन पर ग्रामीणों ने लगे हाथों
उन्हें भी धरना स्थल पर आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई अड्डे का निरीक्षण हवाई जहाज से किया, परंतु धरने पर बैठे ग्रामीण दिखे या नहीं कहना मुश्किल है। फिलहाल ग्रामीणों की समस्या जस की तस है, उन्हें गांव से बाहर जाने का उपयुक्त और सुलभ रास्ता अभी तक नहीं सूझ रहा है। लोग परेशान हैं, छोटे मोटे कारोबार अपना धंधा बंद करने को हैं, दूध बेचने वाले दूधियों में आधे से ज़्यादा अपना काम छोड़ चुके हैं। धरने पर बैठे ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि उप मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कमेटी का विकास कार्य कहाँ तक पहुँचता है। धरने पर आने वाले नए पुराने सांसद और विधायक, सभी पार्टियों के नुमाइंदे कितना पैरवी कर इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाते हैं और ग्रामीणों को कब राहत मिलती है, ये सवाल धरने की तरह धरने पर बैठा है।